हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट टीचिंग। आज करते हैं हम नया क्वेश्चन स्टार्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन द फॉलोइंग। रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री प्लस वन इज इक्वल टू ए प्लस बी रूट थ्री। अब यहाँ पे हमें पहले इसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी और फिर उसको कंपेयर करना होगा ए प्लस बी रूट थ्री से। ठीक है, सबसे पहले हम इसको करेंगे रेशनलाइज। कैसे करेंगे? रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री प्लस वन मल्टीप्लाई बाय जो आपका डिनोमिनेटर है, इसका जो ये साइन है प्लस, इसको हम माइनस में लेंगे और इस पूरी वैल्यू से इसको इंटू कराएंगे। रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री माइनस वन। ठीक है, क्योंकि हम डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर को एक साथ एक ही नंबर से हमेशा मल्टीप्लाई कराते हैं, तो वो रेशनलाइज हो जाएगा। आपका आ जाएगा यहाँ पे रूट थ्री माइनस वन इंटू रूट थ्री माइनस वन, तो आप इसे लिख सकते हैं रूट थ्री माइनस वन टू दी होल स्क्वायर अपॉन। अब आपका आता है डिनोमिनेटर में रूट थ्री प्लस वन रूट थ्री माइनस वन, मल्टीप्लाई बीच में है तो आपकी यहाँ पे एक आइडेंटिटी फॉलो होती है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही यहाँ पे फॉलो होगी। तो रूट थ्री स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, क्योंकि ये आपका ए और ये आपका बी, इट मीन्स ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, तो आपकी आइडेंटिटी फॉलो हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ की एक आइडेंटिटी और होती है ए प्लस बी टू दी होल स्क्वायर, इट मीन्स जब हम इसे खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी आ जाएगा। तो इसको भी खोलकर हमें वैसा ही बनाना है। और यदि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस वाली भी होगी, जैसे यहाँ पे माइनस है तो मैंने प्लस वाली बताई, तो ऐसे माइनस वाली भी है। ए माइनस बी टू दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो ये वाली आइडेंटिटी फॉलो होगी। तो कैसे करेंगे? रूट थ्री हमारा ए है और माइनस वन जो वन है ये बी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है वन है, और माइनस क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पर माइनस आएगा और आ जाएगा क्या टू इंटू ए इंटू बी अपॉन। अब रूट थ्री स्क्वायर, रूट थ्री स्क्वायर इट मीन्स रूट थ्री इंटू रूट थ्री इज इक्वल टू आपका आ जाएगा थ्री, तो थ्री माइनस और ए इंटू ए क्या होगा, सॉरी वन इंटू वन क्या होगा, वन ही होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा वन। रूट थ्री स्क्वायर इट मीन्स रूट थ्री इंटू रूट थ्री जो हमने यहाँ पे पहले सोल्व किया है, तो क्या आएगा थ्री प्लस वन इंटू वन क्या आ जाएगा वन माइनस टू इंटू वन क्या आएगा टू आएगा एंड इंटू रूट थ्री ऐसे ही रह जाएगा। रूट थ्री इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो रूट थ्री का रूट थ्री रह जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा थ्री माइनस वन इट मीन्स टू। अब यहाँ पे ये थ्री किसका है प्लस का है, वन प्लस का हुआ तो क्या आ जाएगा फोर, और ये क्या आएगा माइनस टू रूट थ्री अपॉन टू। अब इस टू को जब डिनोमिनेटर है ये, तो डिनोमिनेटर इस फोर के नीचे भी होगा और इस पूरी वैल्यू के नीचे भी होगा, चाहे तो आप इसे अलग अलग भी लिख सकते हैं फोर अपॉन टू और ये वाला माइनस से यहाँ आएगा टू रूट थ्री अपॉन टू, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप यहीं से कट कर सकते हैं शॉर्ट करने के लिए। ठीक है, टू से टू टाइम्स कट जाएगा और टू वन से टू कट जाएगा, तो आपका फाइनली क्या बचेगा टू माइनस रूट थ्री। ठीक है, अब इसे कंपेयर किससे करेंगे, ए प्लस बी रूट थ्री से कंपेयर करेंगे, तो इक्वल में है क्योंकि ये, तो रूट ए प्लस बी रूट थ्री। ठीक है, अब रूट थ्री को रूट थ्री से कंपेयर करेंगे इधर। ठीक है, अब बी इसके साथ किस में है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में इसका क्या आ रहा है माइनस वन आ रहा है, तभी तो यहाँ पे माइनस रूट थ्री हुआ होगा, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो बी की वैल्यू क्या होगी माइनस वन और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी टू, तो ए की वैल्यू आपको क्या हो जाएगी टू। यदि आपको इस प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में अभी भी कोई, तो आप पीछे से मेरे और क्वेश्चंस को देख सकते हैं, वो आपको आई बटन में मिल जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।